नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके लिए आई हूँ वो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, पर नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड में, खासकर इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, अगर आपको सही ग्रोथ चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी नॉलेज हो। कहते हैं ना, आधा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कई बार छोटी सी चीज़ होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है और हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो जो एक छोटी सी चीज़ हमने नेगलेक्ट की है उसकी वजह से ही हमें कन्फ्यूज़न हुई और हमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ए टू जी सारी आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट फील्ड में होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो छोटे छोटे से टर्म्स कई बार आप देखते हैं ना इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। आपने कई बार SIP या म्यूचुअल फंड में एक वर्ड सुना होगा, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक या ब्लेंडेड स्टॉक, कई बार सुना होगा। पर आप सोचते होंगे, छोड़ो ये क्या है, हमें तो इंडेक्स फंड में लगाना है, लार्ज कैप फंड में लगाना है, कुछ होगा ये, चलो हटाओ। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक या ब्लेंडेड स्टॉक होते क्या हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको बताऊंगी कि ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, ब्लेंडेड स्टॉक होते क्या हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है और आपको इनमें से किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान और सरल भाषा में सारी चीज़ें बता और समझा पाऊँ। फिर भी अगर ऐसा सच कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ स्टॉक होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ग्रोथ यानी कि जिनका फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, यानी अभी जो अपनी ग्रोथ के इनिशियल स्टेज पे हैं और आने वाले टाइम में वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो वो हुए ग्रोथ स्टॉक। और इसका ठीक अपोजिट वैल्यू स्टॉक, मतलब जो अभी अपने ग्रोथ अचीव कर चुके हैं, एक स्टेबल पोजीशन पर हैं, उनको कहते हैं वैल्यू स्टॉक। ये जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं ये ज्यादातर आपको मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप फंड में ग्रोथ स्टॉक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ही फंड हुए ना जिनका फ्यूचर में जो है ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मोस्टली ये आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में मिलेंगे। और जो ये वैल्यू स्टॉक होते हैं ये आपको ज़्यादातर लार्ज कैप फंड में दिखाई देंगे। तो बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रोथ फंड होते हैं उनका फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वैल्यू स्टॉक जो होते हैं उनका फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। दूसरा डिफरेंस भी मैंने आपको बताया ही है कि जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में पाए जाते हैं, लार्ज कैप में वो कम होते हैं। और ठीक इसके अपोजिट वैल्यू स्टॉक जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके लार्ज कैप फंड में होते हैं। तीसरा ये होता है कि ये जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं इनका जो डिविडेंड रिलीज होता है अपने शेयर होल्डर्स को वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ वैल्यू स्टॉक। उसका रीज़न यही है कि वो तो अपनी ग्रोथ की जर्नी पर है ना अभी, तो वो उतना जो है अपना डिविडेंड रिलीज नहीं करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वैल्यू स्टॉक। और चौथा जो डिफरेंस होता है वो जाहिर सी बात है ग्रोथ स्टॉक है अगर, और फ्यूचर पोटेंशियल उनका ज़्यादा है और रिटर्न्स भी वो इन कंपैरिजन ज़्यादा देते हैं, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अभी अपनी ग्रोथ की इनिशियल फेज में है और ग्रोथ की इस जर्नी पर चल रहे हैं, तो उसमें रिस्क का लेवल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वैल्यू स्टॉक। तो आई होप आपको इनकी डेफिनेशन और इसके साथ साथ इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक फंड या वैल्यू स्टॉक फंड या ब्लेंडेड स्टॉक फंड क्या होते हैं। वो तो हमने बात की ग्रोथ स्टॉक की और वैल्यू स्टॉक की, पर ये जो फंड नाम लेते हैं ये क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस फंड में ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा हो तो वो ग्रोथ स्टॉक हो गया। फॉर एग्जांपल एक्सिस के आपको ऐसे कई सारे फंड मिलेंगे जिसमें ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा होते हैं, और स्टॉक फंड यानी कि जिसमें वैल्यू स्टॉक पर फोकस किया हो गया होगा, लेकिन ऐसा आपको बहुत ही रेयर ही मिलेगा या ना ही मिलेगा क्योंकि इस तरीके के फंड जनरली होते नहीं है। अब बात करते हैं ब्लेंडेड स्टॉक फंड। तो ना आपको ज़्यादातर जो फंड मिलेंगे वो इसी कैटेगरी के मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि दोनों को ही लेकर चलते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है फंड टू फंड के कौन ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक में लगा रहा है, कौन ज़्यादा वैल्यू स्टॉक में लगा रहा है। जैसे कि SDFC की अगर बात करें तो उसके कई सारे फंड हैं जिसमें वो वैल्यू पे फोकस करते हैं, यानी लार्ज कैप कंपनीज पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैल्यू स्टॉक में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपका फंड टू फंड डिपेंड करता है कि कौन से फंड में ग्रोथ स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन से फंड में वैल्यू स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है, देखना है कि कहाँ पर ग्रोथ स्टॉक में ज़्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ पर वैल्यू स्टॉक में। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे और आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं,
ऐसे फंड में पैसा लगा दे रहे हैं जो ग्रोथ स्टॉक में ज़्यादा देते हैं, तो आप इनडायरेक्टली वे में रिस्क तो ले ही रहे ना, वो इनिशियल फेज की कंपनीज है और वहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही होगा। तो हर एक वर्ड का एक मतलब होता है और उसकी नॉलेज होना आप सबको बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक में से कौन ज़्यादा बेहतर होते हैं और किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही तो जाहिर सी बात है ग्रोथ स्टॉक में ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं। और इसके ठीक अपोजिट, जैसे अभी कोविड का टाइम था, अगर वैसी कोई कंडीशन आ जाती, इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डूब रही है, बहुत ज़्यादा लो चल रही, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है वैल्यू स्टॉक्स का में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप मेरा सजेशन माने तो, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करिए, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करिए। अब परसेंटेज कितना किस में इन्वेस्ट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप सेफ खेलने वाले हैं तो आप अपना सेफ खेलिए, आप ज़्यादा जो है पैसे जो है वो वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जो चीज़ मैंने इसमें वीडियो में बताई है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अपने लिए ज़रूरी या इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।